आज आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में एक आशिक है, एक महबूबा। बेइंतहा मोहब्बत करते थे दोनों एक दूसरे से, जीने मरने की कस्में खाते थे एक दूसरे को देखे बिना, ना उनकी सुबह होती थी ना शाम। पर शायद वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी में एक पल ऐसा आया कि दोनों जुदा हो गए। जुदा भी यूं हुए कि फासले मीलों में बदल गए। आशिक अपनी महबूबा की राह देखते देखते बहुत उदास होने लगा। उदासी में वो अपने आंसुओं को रोक ना पाया। आंसुओं का सिलसिला तो जैसे थम ना रहा था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीने में बदल गए। यूं करते करते साल खत्म होने लगे। इसके आंसुओं का सिलसिला तो यूं था कि वो सूख सूख के स्याही बन गया, और आशिक ने उसी स्याही में अपने कलम को डुबो के कुछ यूं लिखा। जनवरी, जनवरी जान से प्यारी है, फरवरी फरियाद करती है। मार्च मोतियों से भरा, इसमें हम तुमको याद करते हैं। अप्रैल आपकी यादों में, मई मन से तड़पता हूं। जून में पीपल की छांव में बस तुमको याद करता हूं। जुलाई आ गई मेरे यार, जुलाई आ गई मेरे यार। अगस्त में अब तो तू आ जा, सितंबर में बन सांस तू मेरे हृदय में समा जाना। अक्टूबर के आठों प्रहर पे जुबा पे नाम है तेरा। नवंबर में ना मरता हूं, बस यादें ही है प्राण मेरा। दिसंबर आ गई मेरे यार, दिसंबर आ गई मेरे यार। चारों तरफ छा गई बहार, पर दिल की यही पुकार, कब आएगा मेरा यार।